हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में आपको आप किस तरह से आपके आधार कार्ड का कॉपी प्लास्टिक फॉर्म में आप ऑर्डर कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो फाइनली आधार कार्ड ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे कि आप आपका आधार कार्ड की कॉपी पीवीसी फॉर्म में आप आपका आधार पा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले पीवीसी में प्रिंट किया हुआ कार्ड वैलिड नहीं माना जाता था, क्योंकि वो सिक्योर नहीं था। मतलब ये पीवीसी का कार्ड का ऑप्शन पहले यूआईडीआई नहीं देता था। तो अगर आप ये पीवीसी कार्ड किसी भी नजदीकी प्रिंटिंग सेंटर में अगर आप प्रिंट करवा के लेते थे पीवीसी में, तो वो वैलिड नहीं माना जाता था। तो फाइनली यूआईडीआई आपको पीवीसी फॉर्म में आपका आधार ऑर्डर करने के लिए इस तरह से ऑप्शन देता है, जिससे कि आप आपका कार्ड पीवीसी में पा सकते हैं। तो ये एक सिक्योर कार्ड है, क्योंकि ये ऑफिशियल वे से यूआईडीआई में उपलब्ध है। तो चलिए जानते हैं इस कार्ड को हम किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर प्रिंट करवा के ले सकते हैं। तो इसको आप प्रिंट करवाने के लिए आपको जाना है यूआईडीआई की वेबसाइट पे। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है आपको, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड करके ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक कर दीजिए, एक नया पेज खुलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए नए कार्ड में क्या क्या मिलता है आपको। पीवीसी कार्ड में सिक्योर क्यूआर कोड होगा, होलोग्राम होगा, इस पे ग्लोचे पैटर्न होगा इसमें, और बाद में घोस्ट इमेज माइक्रो टेक्स्ट होगा। तो ये सब फीचर्स इसका पीवीसी कार्ड ऑफर करता है। अगर आपको पीवीसी कार्ड चाहिए तो ऑफिशियल इसी वेबसाइट से आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, और यही कार्ड आपका वैलिड माना जाएगा। अगर आप नज़दीकी किसी भी प्रिंटिंग सेंटर से आपका पीवीसी कार्ड प्रिंट करवा लेंगे, तो वो सिक्योर कार्ड नहीं होगा और उसको वैध माना नहीं जाएगा। तो अगर आपको ऐसे पीवीसी कार्ड चाहिए तो आपको इसी यूआईडीआईसी वेबसाइट से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, ये ड्यूरेबल कार्ड भी होगा और आपके पॉकेट में आप कैरी कर सकते हो आसानी से। इसको आपको सिर्फ 50 रुपये देना होगा, जिसमें पोस्टेज जीएसटी और पोस्टेज का चार्जेस भी इंक्लूडेड होगा। तो चलिए जानते हैं किस तरह से इसको हम ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल चुका है, तो इस तरह से स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पे आप आपका आधार नंबर डाल सकते हो, वर्चुअल आईडी भी डाल सकते हो, नहीं तो ईआईडी भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे मेरा आधार नंबर डालता हूँ। यहाँ पे आपका नंबर डाल दीजिए जो भी सिलेक्ट किया है आपने, उसके अनुसार बाद में यहाँ पे जो कैप्चा कोड शो अप कर रहा है वो यहाँ पे नीचे यहाँ से एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद देख लीजिए, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे टिक मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो माय मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे नया नंबर डाल दीजिए और सेंड बटन पे क्लिक कर दीजिए। नया ओटीपी आपके जो भी यहाँ पे एंटर करेंगे आप मोबाइल नंबर, उसी नंबर पे आ जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसको टिक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे ही लीव कर दीजिए और सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, 6 डिजिट का ओटीपी कोड आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये ओटीपी जो भी रिसीव हुआ है वो यहाँ पे एंटर ना पड़ेगा, और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक कीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपका आधार कार्ड प्रीव्यू होगा, मतलब इस तरह से आपका डिटेल्स प्रीव्यू होगा। तो यहाँ पे आपका फोटो दिखाई देगा, आपका पूरा नाम जैसे भी मौजूद है वैसे, और यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस। सो अभी आपके सभी डिटेल्स करेक्ट अपीयर कर रहे हैं, तो आप मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करके पेमेंट कर दीजिए। अगर यहाँ पे कुछ आउटडेटेड है तो इन्फॉर्मेशन, आप पहले आपका आधार अपडेट कर दीजिए, बाद में आप प्रिंट रिक्वेस्ट प्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं मेक पेमेंट पे बटन पे क्लिक करूंगा। तो मेक पेमेंट बटन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है आपका, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, नहीं तो यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए 50 रुपये का। तो यहाँ पे सक्सेसफुली पेमेंट कर चुका हूँ मैं, तो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है पेज। तो यहाँ पे देख लीजिए, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है, और यहाँ पे पूरा रिसीट यहाँ पे डिस्प्लेड है। तो अगर चाहिए मैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये डाउनलोड कर सकता हूँ, रिसीट डाउनलोड बटन करके क्लिक करके। और आप सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद भी कोई SMS भी आ जाएगा कि योर रिक्वेस्ट फॉर आधार विद सीरियल नंबर सो एंड सो हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड, फॉर फर्दर ट्रैकिंग यू आर रिक्वेस्टेड टू विजिट स्टेटस लिंक। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका हम स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है चेक स्टेटस, इस पे क्लिक कर दीजिए चेक स्टेटस बटन पे। और यहाँ पे जो आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे मिला है, मतलब सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन, वो यहाँ पे आप एंटर कीजिए। सर्विस रिक्वेस्ट नंबर 20 डिजिट का एंटर करने के बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर एंटर कीजिए, और यहाँ पे नीचे आपका कैप्चा कोड एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद चेक स्टेटस
स्टेटस बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका स्टेटस शो अप कर रहा है, पेमेंट सक्सेसफुल है और अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है आपका मतलब कार्ड, तो प्रिंट होके जल्दी स्टेप डिस्पैच हो जाएगा। तो यहाँ पे SRN का स्टेटस आगे जो रहेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। जब प्रिंटेड स्टेटस में होगा तो प्रिंटिंग में यहाँ पे शो अप करेगा, डिस्पैच स्टेटस में रहेगा तो डिस्पैचिंग या फिर डिस्पैच करके यहाँ पे शो अप करेगा। डिस्पैच होने के बाद आपको आपका रिसीट मतलब आपका ट्रैकिंग कोड जिस भी कुरियर से ये इंडिया पोस्ट से ये डिस्पैच होगा आपका PVC कार्ड और उसका ट्रैकिंग कोड भी आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाएगा। इसको भी आपको डिलीवरी मिलने में 7 दिन तक लग सकते हैं, 7 दिन के अंदर आपको आपकी PVC कार्ड डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आपका आधार PVC कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और आपकी इस तरह से इसको डिलीवरी 7 दिन के अंदर पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।